सामान्य रूप से ये कार्यक्रम मुंबई में ही होते हैं और इसके कारण इस प्रकार के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का भी मुंबई का स्वभाव है और ऑडियंस को भी आदत है। लेकिन मैं सुभाष जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए गुजरात को चुना, अहमदाबाद को चुना। अगर एक बार आप अहमदाबाद में सफल हो गए तो फिर आपकी गाड़ी कहीं रुकती नहीं है। हम अहमदाबादियों का की पहचान है सिंगल फेयर डबल जर्नी और ये आपका क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें हर कोई अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ न कुछ रिवॉर्ड चाहता है और इसलिए रुपये की कीमत क्या होती है, रुपये का महात्म्य क्या होता है वो शायद अहमदाबादी से अधिक कोई जानता नहीं है। और हमारे अहमदाबादियों के लिए इस प्रकार के चुटकुले भी बने हुए हैं काफी। तो उस शहर में फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोगों का इस प्रकार से एकत्र आना, इस समारोह को यहां संपन्न करना, मैं फिर एक बार जी ग्रुप के सभी मित्रों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग इस विषय के काफी जानकार भी हैं और चिंतित भी हैं। अगर फाइनेंशियल मार्केट बहुत तेजी में होता तो शायद आज के समारोह में तालियां भी ज्यादा बजती, लेकिन मैं देख रहा हूं मुश्किल से तालियां बज रही हैं और उसका मूल कारण मार्केट की स्थिति है। अगर मार्केट की स्थिति अच्छी होती तो शायद आप भी बड़े उमंग से भरे हुए होते हैं और मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, इसके लिए आप सुबह शाम एनालिसिस करते होंगे, आप सोचते भी होंगे यार कुछ भी हो स्थिति से बाहर निकले, ये आपके सपने मन में चलता होगा। वह सही है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। किसी भी देश के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी अच्छी स्थिति भी आती है, कभी बुरे दिन भी आते हैं, कभी हम टॉप पर भी होते हैं तो कभी लो पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन नीति निर्धारक जब आत्मविश्वास खो चुके होते हैं, दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, वो निर्णय नहीं कर सकते, उन्होंने निर्णय करने का सामर्थ्य खो दिया। कभी कभी देश में चर्चा होती है कि चुनाव बहुत जल्दी आ जाएंगे, समय पर चुनाव नहीं होंगे, तो मुझसे कुछ लोगों ने बात की थी। मैंने कहा देखिए भाई, चुनाव जल्दी भी अगर आने हैं तो सरकार को निर्णय करना पड़ता है। जो 9 साल में कोई निर्णय नहीं कर पाए वो निर्णय कैसे कर सकते हैं? तो आप मान के चलिए कि मजबूरन स्थितियां जहां जाएगी जाएगी, कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई दिशा तय करने वाला नहीं,
कोई निर्णय करने वाला, और 125 करोड़ का देश इस स्थिति में जब होता है तब हर प्रकार के संकट अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 1 रुपये के बराबर था, $1 रुपये में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीज तक, और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था, 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया है। मित्रों, इसकी बू अगर थोड़ा इतिहास की ओर नजर करें, आप तो इस आर्थिक जगत की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, हिंदुस्तान 1200 साल की गुलामी के बाद जब 15 अगस्त 1947 जब आजाद हुआ था, 1200 साल की गुलामी के बाद जब ये देश आजाद हुआ, उस समय उसके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1000 मिलियन पाउंड लेना उधार था, यानी हम लेनदार थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्जदार थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत से जो कुछ भी गया था वो कर्ज ब्रिटिशर को, हिंदुस्तान को चुकाना था, यानी 1200 साल की गुलामी के बाद भी आजादी का प्रारंभ आर्थिक संकट से नहीं हुआ, आर्थिक संपन्नता के साथ हुआ। इतना ही नहीं, विदेशों से कर्ज लेने का प्रारंभ पंडित नेहरू ने किया। आजादी के कुछ ही समय में फर्स्ट 5-ईयर प्लान आया, विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया, और तब वर्ल्ड बैंक का स्वतंत्र रूप नहीं था, अमेरिकन गवर्नमेंट की इच्छा से कर्ज लिया। और उस समय पंडित नेहरू के जमाने में पहली बार कर्ज लिया गया। आज जरूरत है उस बात को समझने की कि जब वो पहली बार कर्ज लिया गया उसमें दो शर्त थी। आज हम डॉलर हमारा 60 रुपये पर क्यों बिकता है उसका जवाब वहां मिलता है। दो शर्त थी, एक शर्त ये थी कि वो जो अमेरिका ने पैसे दिए हैं उन पैसों का उपयोग हिंदुस्तान के जो रिसर्च स्कॉलर हैं उन स्कॉलर को अमेरिका में पढ़ने के लिए जाने के लिए स्कॉलरशिप के लिए उनके खर्च होंगे। अब देखिए कितना बुद्धिमानी का काम अमेरिका ने किया। अमेरिका जो चुने वो स्कॉलर पढ़ेंगे कहां, अमेरिका में। पैसे कौन से, तो अमेरिका ने जो कर्ज में दिए हैं वो पैसे। मतलब हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की पहली स्कॉलर पीढ़ी जो तैयार हो
वो अमेरिका की छाया वाली तैयार हो ताकि वो गीत अमेरिका के गाएं, इस प्रकार का पहला प्रयास हो। और दूसरा निर्णय किया था कि ये रुपये तब देंगे कि जब आप रुपये की कीमत कम करोगे, और उस लोन लेने के कारण पंडित नेहरू के समय में पहली बार रुपये की ताकत कम हुई और वो सिलसिला चलता। मित्र, कोई भी देश गलत नीतियों के कारण जाकर के कहां कहां गिरता है उसका हम अंदाज कर सकते। मैं आज भी मानता हूं भारत जैसा देश, सारे दुनिया की नजर हिंदुस्तान पे अगर एक बाजार के तौर पर हो तो ये देश अगर बाजार बनकर के रह जाए तो देश कभी भी आर्थिक संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। पूरा विश्व अपना मान हिंदुस्तान के अंदर जितनी बड़ी मात्रा में दम कर सकता है करना चाहता है। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट अवेलेबल है। अगर ये सिलसिला चलता रहा और देश का इंपोर्ट बढ़ता ही गया तो पता नहीं देश की आर्थिक स्थिति कहां जाकर के रुकेगी। मित्रों, आज जिस तेजी से इंपोर्ट बढ़ रहा और एक्सपोर्ट में हम पहले से ही नीचे आ गए, यानी स्टेबल भी नहीं रहे, हम उससे भी नीचे आ गए और उसके कारण करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी बढ़ती है, जिसने पूरी आर्थिक स्थिति पर एक नया बोझ डाल दिया है। एफडीआई और एफआईआई दोनों के तराजू पर हम संतुलन नहीं कर पा रहे, और उसका मूल कारण हमारी नीति है। लोग कहते हैं एफडीआई नहीं आ रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहा? कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर धन तब लगाता है जब उसको अपने पूंजी की सिक्योरिटी महसूस हो, उसको लगे हाँ मैं इतना लगा रहा हूं, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे गुड गवर्नेंस की अनुभूति हुई है, मुझे एफिशिएंट गवर्नेंस मिलेगा, सिंगल विंडो मुझे क्लियरेंस मिलेगा, तो वह हिम्मत करेगा। लेकिन अगर पॉलिसी पैरालिसिस है तो दुनिया में कितनी उसकी आवश्यकता होगी लेकिन वह हिंदुस्तान की तरफ मुंह नहीं देखेगा। और अगर हमारे यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आता, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुर्बल होते चले जा रहे हैं और तब हम डॉलर के या तो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति और लुढ़कती चली जा रही है। मित्र, हम स्टॉक मार्केट की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम तीन चीजों को बैलेंस रूप से आगे न बढ़ाएं सरकार, तो मैं मानता हूं कि किसी भी इन्वेस्टर का विश्वास कभी भी नहीं रहेगा। अब आप देखिए, आज हमारा ट्रांजेक्शन जो होता है, मैं समझता हूं मुझे जो बताया गया वो 15-20% के बीच में आ गया है, और उसमें भी फ्यूचरिस्टिक वाली संख्या ज्यादा है, रियल ट्रांजेक्शन की संख्या बढ़ती कम होती चली गई। रियल ट्रांजेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल टूट चुका है। अगर यह स्थिति बनती है तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कहां जाकर के खड़े रहेंगे। और इसलिए स्टॉक मार्केट के में भी एक तो रिटेल का क्षेत्र है, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, और तीसरा एफआईआई का है। ये तीनों का इक्वल बैलेंस होना चाहिए। आज मित्रों, अगर एफआईआई का शेयर बढ़ गया और दुनिया का कोई देश जस्ट बिकॉज अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें और अचानक एफआईआई में एकदम से बहुत बड़ी अमाउंट चली जाए तो पूरा स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाए, और उसके कारण सामान्य मानवी को कोई भरोसा नहीं रहेगा। मित्रों, आज चिदंबरम जी कहते हैं कि भाई लोग सोना न खरीदें।
लेकिन लोग सोना खरीदने के लिए मजबूर क्यों हो? मुझे मालूम हमारे यहां गुजरात में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, यानी आम यानी एक प्यून होगा तो भी वो सुबह शाम देखता है स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। हमारे यहां एक अखबार को सिर्फ स्टॉक मार्केट के रेट के ऊपर ही चलता है, पूरा अखबार उसे लोग उसी को खरीदते हैं क्योंकि उनको उसी में इंटरेस्ट होता है। लेकिन आज उसका इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि उसको भरोसा नहीं है कि उसको जो कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद दो रास्ते बच जाते हैं, रियल एस्टेट में डालो या तो गोल्ड में डालो। रियल एस्टेट में डालने के लिए लोन मिल के पास उतनी अमाउंट नहीं होती है ताकि उसमें डाल नहीं पाता है। तो क्या करेगा, चलिए भाई 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम गोल्ड ले लो, पैसा बढ़ जाएगा। अकेले 2012 के वर्ष में 1,00,000 करोड़ रुपयों का गोल्ड इस देश में इंपोर्ट हुआ एक साल। और बताया जाता है कि आज देश में 18,00,000 करोड़ रुपयों का गोल्ड आज हिंदुस्तान के अंदर पड़ा हुआ है। नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। अगर यह स्थिति रही तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति को एक ही जगह पर उसको सिक्योरिटी लगती है, यहां लेकर के रखो, ज्यादा पैसे मिले या ना मिले लेकिन पैसे बच जाएंगे। या तो उसको लगता है रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में भी जाने का कारण क्यों मना है? तो हमारी इकोनॉमी पर ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट करने लगे। और जब ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट कर रही हो, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती हो, तो स्वाभाविक है लोगों को रियल एस्टेट में जाने का रास्ता ठीक लगता है। और जीनियर आदमी अगर रियल एस्टेट में जाना चाहता है एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्लैक मनी नहीं है। एक ऐसे विशेष सर्कल को देश में चलाया गया है जिसके कारण देश का पूरा अर्थतंत्र आज स्थितियों को बिगाड़ रहा चला जा रहा है। सामान्य व्यक्ति हमारे देश की और पूरे एशिया की विशेषता रही है सदियों से। हम लोग कल्चरली काफी कुछ एक दूसरे का प्रभाव है एशियन कंट्रीज का, सेविंग वेस्टर्न वर्ल्ड के नेचर में नहीं है, सेविंग एशियन कल्चर में है और भारत उसमें लीड करता रहा है। हमारे यहां बचत करना, पैसे बचाना, और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। गरीब से गरीब महिला होगी, गरीब परिवार होगी, लेकिन कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश करेगी। मित्रों, ये सेविंग का जो स्वभाव है उसको वो पहले स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता था, उसके कारण हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिलता था, ड्राइविंग फोर्स बन जाता था। लेकिन आज महंगाई बढ़ने के कारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास सोना खरीदने की ताकत नहीं है, फ्लैट खरीदने की ताकत नहीं है, जमीन में पैसा नहीं लगा सकता है, वो 10 रुपए के 20 रुपए के 5 शेयर 10 शेयर लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसके बाद उतरे कैसे। लेकिन महंगाई के कारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपना घर चलाना दिक्कत हो गया है, सेविंग खत्म हो चुका है। और सेविंग खत्म होने के कारण स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी एंट्री बंद हो गई है। अगर ये स्थिति बनी रही तो आज हमारा पूरी फाइनेंशियल स्थिति और दुर्दशा की ओर चली जाएगी। आप देखिए इंपोर्ट, ये तो हम समझ सकते हैं, चलो भाई नेचुरल रिसोर्सेज में हमारी कुछ सीमाएं होंगी, हमको पेट्रोलियम और गैस डीजल इसके इंपोर्ट के लिए आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, मजबूरन ही सही चलो हमको लेना पड़ेगा। लेकिन क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल फोन, अरबों खरबों रुपयों का इंपोर्ट हमारा बढ़ता चला जा रहा है? क्या हमारा देश मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा जंप नहीं लगा सकता है? हम हमारे इंपोर्ट को कम करने का रास्ता नहीं खोल सकते हैं? हमें मालूम है हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहुत बड़ा मार्केट है और इलेक्ट्रॉनिक गुड का मैन्युफैक्चरिंग कोई बहुत बड़ा आसमान से कोई बड़ा स्काई रॉकेट इंजीनियरिंग लाने की जरूरत नहीं, बहुत सामान्य प्रकार की टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसको हमने बल नहीं दिया, उसके कारण आज हिंदुस्तान में जो 3 सेक्टर है सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने में, उसमें एक क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। हाँ, कोई मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आती है तो उनका नेटवर्क है,
लेकिन रूटीन में हमारे यहां अपना कंप्यूटर नहीं बन पा रहे हैं, हम यहां आकर के असेंबल करते हैं। मैं अगर हमारे देश ने योजना बदल गई, हम 10 साल के अंदर इस सेक्टर के अंदर इंपोर्ट करने की स्थिति में हम दबा आ जाएंगे, हम क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, सफिशियंट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो देश की स्थिति नहीं बनती। लेकिन हमारी नीतियों की कमियों के कारण यह हाल होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर हमें दुनिया के सामने टिकना है, हमारे लोगों को उत्पादन के क्षेत्र में जरूरत है, और कॉस्ट इफेक्टिव हो तो उसके लिए क्या चाहिए? आज देखिए हिंदुस्तान में 20,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। कोई देश ऐसा देखा है आपने कि जिसके पास कोयले की खदान है, जिसके पास अंधेरा है, लोगों को बिजली चाहिए, बिजली के ग्राहक मौजूद है, और जिसके पास बिजली पैदा करने वाले 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने वाले कारखाने तैयार हो? जस्ट लीडरशिप नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है, और इसलिए कोयले के निर्णय होने नहीं है, खदान में से कोयला निकल नहीं रहा है, कोयला बिजली के कारखाने में पहुंच नहीं रहा है, देश अंधेरे में डूब रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सफिशियंट बिजली नहीं मिल रही है, फाइबर को सफिशियंट बिजली नहीं मिल रही है, और उसके कारण हमारा ग्रोथ कम हो रहा है, हमारे विकास की यात्रा कम हो गई। अगर इन चीजों पर, छोटी छोटी चीजें मित्र, कोई बहुत बड़ी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, सामान्य चीजें अगर उस पर भी हमने बल दिया होता तो मैं नहीं मानता हूं कि देश आज इतने बड़े आर्थिक संकट में गुजरता। और ऐसा नहीं है कि इसके रास्ते नहीं है। अटल जी के समय की एनडीए सरकार के कार्यकाल के हम फिगर देख लें, सीना तान करके कोई भी कह सकता है। मित्रों, उन दिनों तो भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पूरे विश्व ने सैंक्शन लगा दिए, देश आर्थिक संकट के अंदर फंसा हुआ था। ऐसे विकट काल में भी अटल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के एनडीए, और वो भी पार्टनर 24 पार्टियां एक साथ सरकार चलाती, एक पार्टी की सरकार नहीं थी, उसके बाद भी न महंगाई बढ़ने दी थी, न इंपोर्ट बढ़ने दिया था, एक्सपोर्ट में कटौती आने नहीं दी थी, सेविंग का रेशियो, जब अटल जी की सरकार बनी तब सेविंग हमारा 32% से ज्यादा था, और आज वो 30% से भी कम हो गया। आज वो 30% से भी कम हो गया। कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, भारत की इकोनॉमी में 21वीं सदी के विकास यात्रा के सपनों की मजबूत नींव अटल जी ने अपने शासनकाल में रखी थी, लेकिन देखते ही देखते पिछले 9 साल में जो रखा था वो भी खत्म हो गया, और नया कुछ अर्जित नहीं हुआ, ऊपर से नए बोझ और नए संकट हमारे देश पर आते गए। और इसी के कारण आज हम संकट से गुजर रहे हैं। आपका तो पूरा मार्केट, पहले जो इन्वेस्टर था वो सुबह जब स्टॉक मार्केट खुलता था तो उसके सांस ऊपर नीचे होते थे, शेयर बाजार के अंदर जिसने बेचारे ने 1,000-2,000 रुपए लगाए सोचता था यार कुछ मिला नहीं मिला, आज सांस आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है। और इसलिए इस चिंता की अवस्था में देश एक आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़े, पॉलिसी पैरालिसिस में से देश बाहर कैसे आए? प्रधानमंत्री ने कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके अर्थशास्त्र में पैसे पेड़ पर उगते हो या न उगते हो, हम गुजरातियों की समझ है, हम मानते हैं पैसे खेत में भी उगते हैं, पैसे कारखाने में भी उगते हैं, पैसे मजदूर के पसीने से भी उग सकते हैं, आवश्यकता है सही नेतृत्व तो देकर के। हिंदुस्तान का किसान खेत में मजदूरी करता है वो पैसे उगाता है, एक मजदूर फैक्ट्री में मेहनत करता है वो पैसे उगाता है, और तभी तो देश की तिजोरी भरती है, और तभी तो देश चलता है। ये जो निराशा का माहौल है उससे देश को बाहर लाया जा सकता है। मित्रों, गुजरात एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं,
कि निराशा की जड़ में डूबे रहने का कोई कारण नहीं। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में आया, मेरे रेवेन्यू डेफिसिट 6700 करोड़ रुपए थी, आज हम रेवेन्यू सरप्लस है। मित्र, हो सकता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 2500 करोड़ रुपए का लॉस करती थी ईयरली, आज मित्रों वो प्रॉफिट करती है और हम 24 घंटे बिजली देते हैं और टैरिफ नहीं बढ़ाते। कहने का तात्पर्य है मित्रों, अगर सही दिशा में निर्णय किया जाए, एक एक देश की सामान्य मानवीय के शक्ति को भी पर भरोसा करके निर्णय किया जाए, तो देश की स्थिति बहुत बदल सकती है। और मैं बहुत आशावादी इंसान हूं, मैं इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य है, दुनिया में सीना तान करके खड़ा होने का सामर्थ्य है इस देश में। 1200 साल की गुलामी के बाद भी जो देश सरप्लस था, वो देश आज कर्जदार क्यों बन गया, इसके जवाब हम खोज सकते हैं, उसके उपाय भी खोज सकते हैं। उस विश्वास को लेकर के आगे बढ़े। मैं फिर एक बार सुभाष जी का बहुत आभारी हूं कि आपके बिताने का मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।